बसमर रही अलगम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग चौसठ के इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करेंगे जो है कंटर बाई टेल्स ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कंटर बाई टेल में से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है ये एक ऐसा वर्क है जिसमें से हंड्रेड परसेंट ये चांसेज होते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए बिकॉज़ मिडल एज में ये चौसठ चौसठ ही है जो इम्पोर्टेंट है और uh, ये पास्ट पेपर को अगर आप एनालाइज़ करें तो उसमें से ये कंट्रे बाई टेल में से खास क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है लिहाजा ये वीडियो आप लोग ध्यान से सुने और इन एम सी क्यूज़ को ध्यान में रखने की कोशिश करें ठीक है तो चलते हैं आज की वीडियो की जाने बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट्स डिट चोसर लिव ठीक है किन चोसर्स की शुरू में मैंने एक दो क्वेश्चन एक दो स्लाइड्स पे जनरल एज के वाले से हम सी क्यूज रखें उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद टेल्स पे जाते हैं ठीक है तो किस एज के दरमियान चोस रहा है जी उसका पीरियड रहा है थर्टीन फोर्टी टू फोटीन हंड्रेड नेक्स्ट है चोसर लिव ड्यूरिंग द रेंज ऑफ तीन किंग्स के रेंज में चोसर रहा है जी एडवर्ड थ्री रिचर्ड टू एंड हैंनरी फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंटेम्प्रेरी ऑफ चोसर विलियम लैंगलैंड देखें कंटेम्प्रेरीज जिस पॉइंट के भी होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आप सबको कंटेम्प्रेरीज का के बारे में पता होना चाहिए ठीक है तो कौशर का कंटेम्प्रेरी uh, कौन था विलियम लैंगलैंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हंड्रेड ईयर वॉर वॉज बिगन इन दी फोर्टीन सेंचुरी हंड्रेड ईयर वॉर कब बिगन हुई होती है जी फोर्टीन सेंचुरी में द हंड्रेड ईयर वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस ठीक है इंग्लैंड एंड फ्रांस ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कैनमन एंड सेंट वल्फ वर दे टू फेमस पोइट्स देवर चोसेस प्री डिस दोनों चोसेस के प्री डिस थे ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीवल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंग्लोसेक्सन लिटरेरी वर्क इट्स एन एपिक ठीक है स्पेलिंग टाइपिंग अरर है मैंने जल्दी में लिखा है तो इसमें टाइपिंग अरर होंगी ठीक है इट्स एन एपिक ठीक है ये एपिक है हु इज द ऑथर ऑफ बी वल्फ बी वोल्फ का ऑथर कौन है बी वोल्फ के आथर का हमें नाम नहीं पता इट्स अनोनमस ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पेपर में इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस इट वॉज एलेवेंथ सेंचुरी अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू द पेंडेमिक ऑफ द प्लेग दैट अकर्ड इन चोस एज ये अब भी आप सबको पता है चोसज की एज में ब्लैक डेथ आई थी ठीक है द वार ऑफ रोजेज फिगर्स इन द दर्क्स ऑफ शेक्सपियर वार ऑफ रोजिज कब हुई थी जी किसके वक्स में हमें मिलती है शेक्सपियर के वक्स में फॉलोइंगज़ कॉल द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार्मेशन किस को कहते हैं जॉन विकलिफ जॉन विकलिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं जैसे हम मार्निंग uh, कहते हैं या मार्निंग चाइल्ड ऑफ रैनिसंस तो इसी तरह मार्निंग रिफॉर्मेशन भी है ठीक है अब यहाँ से आगे कंटेम्प्रेरी टेल्स के वाले से इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू स्टार्ट होते हैं ठीक है, है? इससे आगे जितने भी एम सी क्यूज हैं वो कंटेम्प्रेरी टेल्स में से है हाउ मनी पिलग्राम्स इन चोस कंट्र बाई टेल्स आर गोइंग ऑन द पिलग्रामेज पिलग्रामेज के पे कितने पिलग्राम्स जा रहे हैं जिन लोगों ने कंट्र बाई टेल्स पता है पढ़ी है उन सबको पता है कि ये कहानी उन पिलग्राम्स की है जो पिलग्रामेज पर जा रहे हैं कहाँ पर जा रहे हैं कंट्रबे में जा रहे हैं और ये टोटल कितने लोग हैं उनतीस लोग हैं और ये मुख्तु किस्म की टेल्स सुना रहे हैं एक दूसरे को ठीक है अब ये ये जो कहानियाँ सुना रहे हैं इन कहानियों में से आपको एम सी क्यूज़ पूछे जाते हैं तो मैं भी इन्हीं टेल्स में से आपको एम सी क्यूज़ में आपको बताऊँगा ठीक है हाउ मनी पिल्ग्राम्स इन द प्रोलाग द बाई टे रिप्रेजेंट द मिलिट्री प्रोफेशन उनमें से मिलिट्री प्रोफेशन को कितने रिप्रेजेंट करते हैं देर आर दे आर थ्री इन नंबर्स हाउ मेनी एक्लिस्टिकल करेक्टर्स और पोर्ट्रेट इन प्रोलाग एटलिस्ट एक्लिस्टिकल को मतलब जो चर्च के या उनके um, चर्च के रिलेटेड हैं या कलीसा के रिलेटेड हैं वो कितने जी देर एट इन नंबर्स वट इज़ द नेम ऑफ इन इन विद द पिल्ग्रामेज असेंबल्ड फॉर नाइट जिस सराय में वो रात के लिए जमा होते हैं स्टे के लिए उसका नाम क्या है टबरडिन ठीक है टबरडिन उसका नाम है जगह का नाम उस सराये का नाम है इट यूज़ बिलीव डेट द होस्ट ऑफ इन वॉज रियल मैन वट इज़ द रियल नेम ऑफ द होस्ट ऑफ़ द इन और जो होस्ट है इनका उसका नाम क्या है हरी बेली हेरी बेली इसका नाम है ये भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है ठीक है इसको आप याद रखें आपको आगे काम आएगा टू विच श्राइन आर दिल्ग्रम पिलग्रम्स गोइंग टी किस श्राइन पर जा रहे हैं मैंने आपको पहले बताया कि ये पिलग्रम्स हैं ये कहाँ पर जा रहे हैं श्राइन ऑफ एस टी थॉमस बैकेट एट कंट्रबे कंट्रबाई जगह का नाम है वहाँ पर एक श्राइन है श्राइन का नाम क्या है एस टी थॉमस बैकेट हाउ मैनी वुमेन करेक्टर्स फिगर इन द प्रोलाग टू देंट्रबाई टेल्स वुमेन करेक्टर्स कितनी है जी प्रोलाग में दे आर थ्री इन नंबर वन ऑफ द टेल्स इन चोस कंट्रबाई टेल्स इज इन प्रोज प्रोज में कौन सी ट्रेल है देखें Uh, मैंने आपको पहले बताया कि मुख्त्य टेल्स हैं तो प्रोज में कौन सी है जी द पार्सन टेल जो पार्सन है जो उसकी कहानी है वो है प्रोज में पी से पार्सन और पी से प्रोज ये आप लोग याद रखें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए वन ऑफ़ द पोर्ट्रेट्स इन द प्रोलाग इज़ देट ऑफ वाइफ अफ बाथ सब लोग जानते हैं वाइफ अफ बाथ के करेक्टर को वट इज़ बाथ बाथ इसमें किस को रिप्रजेंट करता है द नेम ऑफ द टाउन टू विच शी बिलोंग वाइफ ऑफ बाथ का एक करेक्टर है उसमें यह कह रहे हैं कि जो बात है ये किसको रिप्रेजेंट करता है तो बाथ रिप्रेजेंट दू विच शी बिलोंग ठीक है ही वॉज एज फ्रेश एज दंथ ऑफ मे ये तो आप सबको पता होगा ही वॉज एज फ्रेश मंथ ऑफ मे ये किसके बारे में था ये लॉन्ट जो कैंटर बाई डिटेल में आती हैं दिस इज अबाउट डिसक्वायर के बारे में है, ठीक है ही वॉज एज फ्रेश मंथ ऑफ मे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन द प्रोलाग शिवलरी ऑफ द मिडल इज रिप्रेजेंटेड बाय शिवलरी किस ने रिप्रेजेंट की थी ये तो आप सबको पता है वो कौन था जी नाइट द द नाइट जो एजड नाइट था वो शिवलरी को रिप्रेजेंट कर रहा था मिडल एज की वेडिंग शिवलरी ऑफ चोसरिन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई द स्क्वायर और वो मिडल एजेस का रिप्रेजेंट कर रहा था तो स्क्वायर कौन किसकी शिवलरी रिप्रेजेंट कर रहा था इट रिप्रेजेंटिंग द शिवलरी ऑफ चोसरी इन टाइम चोसर के वक्त की शिवलरी को रिप्रेजेंट कर रहा था स्क्वायरी याद रखना नाइट के वाले से है वो मिडल एज की रिप्रेजेंट कर रहा था शिवलरी और स्क्वायर चोसर की एज की ठीक है हाउ मेनी वुमेन करैक्टर्स फिगर इन द प्रोलाट टू देंट्र टेल्स वुमेन करैक्टर्स कितनी थी ये भी इंपॉर्टेंट है वुमेन्स करेक्टर टोटल तीन थी ठीक है उनमें से एक हमने पढ़ ली है वो वाइफ ऑफ बाथ है बाकी दो हम आगे पढ़ेंगे ठीक है वन ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन कैंटर बाई टेल्स इन इन द प्रोज पर्सन टेल्स रिपीट हो चुका है ही वॉज एज फ्रेश एज मंथ मे सॉरी ये भी रिपीट हो चुका है ये किसके बारे में स्क्वायर के बारे में हाउ मेनी करेक्टर्स आर इन कैंटर बाई टेल्स थर्टी इंक्लूडिंग चौसस ये मैंने इसलिए डाला है पहले भी मैंने आपको बताया ट्वेंटी नाइन है लेकिन अगर चौसस को भी इंक्लूड करें तो थर्टी है ठीक है तो अगर पेपर में ट्वेंटी नाइन आता है तो आप लोग ट्वेंटी नाइन पर करेंगे लेकिन अगर ट्वेंटी नाइन का ऑप्शन नहीं आता थर्टी आता तो आप लोग उस पर ठीक कर सकते हैं इंक्लूडिंग चौसठ थर्टी थी ठीक है विच इज़

हाउ मेनी वार्स और फॉर्ट बाई नाइट आप सब ने पहले पढ़ पढ़ लिया है कि नाइट शिवलरी को रिप्रजेंट कर रहा था तो उसने कितनी जंग लड़ी थी ही फॉर्ट ही एट फॉर्ट टेन वार्स ये टेन टेन वार्स ठीक है वट इज़ द नेम ऑफ नन अब देखें दूसरा करैक्टर आ गया वुमेन मैंने आपको कहा था कि वुमेन करेक्टर uh, तीन है ठीक है पहला करैक्टर वाइफ ऑफ बाद का था दूसरा किसका आ गया जी नन का ठीक है मैडम एगलेंटाइन मैडम एगलेंटाइन नाम था किसका नन का ठीक है अब uh, इसी तरह हमने मिलिट्री प्रोफेशन के हमने कहा था आठ हैं तो उनमें से हमने दो पढ़ लिया स्क्वायर और ये नाइट ठीक है तो अब आगे जाते हैं द नन स्पीक्स फ्लुएंटली नन क्या फ्लुएंटली कौन सी वो बोलती थी शी स्पीक्स फ्लुएंटली फ्रेंच ठीक है द यंग स्क्वायर्स हु अपीयर इन टेल्स इज सन ऑफ द स्क्वायर ठीक है सन ऑफ स्क्वायर था ठीक है द मैन अटेंडेड ऑन सर्वड होम दू मैन अटेंडेड आर सॉरी स्लैश है लिखा गया ठीक है दू मैन अटेंडेड ने किसको अटेंड किया था या किसकी खिदमत की कि थी सर्वड द नाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग हंटिंग का फॉन्ड किस को था हंटिंग का शौकीन कौन था द मोंग द मॉन्ग ठीक है मोंग मोंग को क्या किसका शौक था शिकार का दिलर अपियर इन कंटरब्राइज टेल्स द सेलर शिप नेम इज कंटरब्राइज टेल में जो एक सेलर है वो भी होता है उसके शिप का नाम क्या है मोड लाइन मोडली लाइन जो भी है ये इसके शिप का नाम है ठीक है हु वॉज डेफ एमोंग ऑल कैंटरप्राइज टेल्स के जितने भी करेक्टर्स हैं उनमें से डेफ कौन था वाइफ ऑफ बाथ वाइफ ऑफ बाथ क्या है जी शी वाज डेफ हाउ मेनी टाइम्स वाइफ ऑफ बाथ मैरिड वाइफ ऑफ बाथ ने कितनी दफ़ा शादी की थी शी मैरिड फाइव टाइम्स हाउ मनी टाइम्स वाइफ ऑफ बार वेंट टू येरूशलम यरूशलम में कितनी दफ़ा गई थी शी वेंट टू यूशलम फॉर थ्री टाइम्स ठीक है वट आर द टेल्स टोल्ड बाई चोसस उनमें से चोसस ने कौन सी टेल्स सुनाई थी देखें उन्होंने आपको बताया था कि ट्वेंटी नाइन वो थे उनमें से पिलग्रम्स थे उनमें से एक एक चोसर भी था टोटल थर्टी हो गई तो चोसस ने कौन सी टेल्स थी द टेल ऑफ सर थॉमस एंड द टेल ऑफ मेली बी ठीक है मेली बी ठीक है ये चोसस की टेल थी यहाँ पर उसकी टेल्स याद रखें अच्छा इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट टेल सबसे लॉन्गेस्ट टेल्स किस किसकी थी द प्रिजनर्स टेल द प्रिजनर्स टेल ठीक है कौन सी थी प्रिजनर्स uh, टेल ठीक है इसका इसमें उसके रेट uh, करने वाले का बयान uh, नाम नहीं है बल्कि उस टेल का नाम है कौन सी टेल थी द प्रिजनर्स टेल सबसे लॉन्गेस्ट टेल द शॉर्टेस्ट टेल और शॉर्टेस्ट टेल्स किसकी थी द योम टेल शॉर्टेस्ट टेल कौन सी थी जी द दोमेन्स टेल हुआ पार्सन ब्रदर पार्सन का जो भाई था वो कौन था

आज द पिलग्रम टू टेल स्टोरीज दे देंट टू कैंटरबरी जब वो कैंटरबरी डा जा रहे थे तो किसने कहा था कि ये आप स्टोरीज uh, बयान करें तो द होस्ट जो था उनका उस होस का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं बेली उसने सजेस्ट किया था कि हर बंदा कितनी स्टोरीज नएगा दो स्टोरीज ठीक है हु अपोज दैट एवरी वन एवरी वन शुड दैट एवरी वन शुड टेल टू स्टोरीज ठीक है किस ने अपोज़ किया था ज ने प्रपोज़ किया था दैट एवरी पिलग्रम शुड टेल टू स्टोरीज द होस्ट द होस्ट जो था उसने कहा था कि आप सब लोग कहानियाँ सुनाएं और कितनी कितनी सुनाएं दो दो हु अपोज द प्रपोजल ऑफ होस्ट नो वन अब देखें वो सब इकट्ठे जा रहे थे तो अच्छा टाइम गुजारने के लिए जो होस्ट था उसने कहा था सब लोग दो दो टेल्स सुनाएं और ये इसका प्रपोजल को किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया द दिलग्रम्स स्टार्टिड ये जर्नी एट देखिए इससे पहले हमने अप्रैल का कौन से महीने में स्टार्ट किए थे उन्होंने अप्रैल में और किस टाइम स्टार्ट किए थी दे स्टार्टेड देयर जर्नी एट मॉर्निंग दे फॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल दीज द वर्ड ही रेफर्स टू डॉक्टर इसमें ये जो आ, हमारे पास फ्रेज है दे फॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल इसमें ही है ये किसकी जानी रेफर कर रहा है टू डॉक्टर क्लियर है नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाउ मेनी कंप्लीटेड टेल्स आर देयर इन टेल्स कैंटरबरी टेल्स में टोटल कितनी टेल्स हैं जो कम्प्लीट हुई हैं देर आर ट्वेंटी फोर टेल्स विच आर कम्प्लीटेड इन कंट्रबेरी टेल्स ट्वेंटी फोर ठीक है याद रखें विच टाइप ऑफ डायलैक्ट चोसर यूज इन हिज वर्क इस वर्क में चोसर ने कौन सा डायलैक्ट यूज किया ही यूज ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट क्या यूज किया जी ही यूज ईस्ट मिड लैंड डायलैक्ट वाई आर द पिलग्रम्स गोइंग टू कैंटरबेरी

जो टेल है नाइट नाइट की जो टेल है उसकी जो कहानी है उसमें जो उसका करैक्टर एमिली है उससे कौन शादी करता है प्लेमोन ठीक है प्लेमोन उससे शादी करता है ठीक है नाइट्स की टेल में जो करैक्टर है ये उसके बारे में क्वेश्चन है ठीक है अकॉर्डिंग टू वाइफ ऑफ बाथ वट डाज वुमेन डिजायर सावरनिटी ओवर दियर हस्बैंड जो वाइफ ऑफ बाथ थी उसका क्या व्यूज था कि औरत की क्या ख्वाहिश होती है शी वांट्स सावरनिटी ओवर दियर हसबेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वट ड gently uh, gently or gently gently swear that he will be taken away by orange hound like creature ठीक है ये character है gently gently swear ये इसका क्या view था ये क्या इसका ख्याल ये था that he will be taken away by orange hound like creature ठीक है ये character था और इसका view ये था कि इसको कोई orange like creature जो है वो उठा के ले जाएगी he will taken away by orange like orange like hound orange hound like creature ठीक है वट आर द थ्री मैन सर्चिंग फॉर इन पार्टनर स्टेल अब एक और करेक्टर आपके पास आ गया पार्टनर ठीक है जो पार्टनर की जो कहानी थी पार्टनर टेल्स थी उसमें जो तीन आदमी थे पार्टनर ने बयान किए थे वो क्या ढूंढ रहे थे दे आर सर्चिंग आफ्टर डेथ ठीक है डेथ को ढूंढ रहे थे हु इज ब्रेंडेड बाई रेड हॉट पोकर इन मिलर स्टेल आप देखें यह टेल्स के अंडर के क्वेश्चन हैं ठीक है मिलर की जो टेल थी उसके बारे में क्वेश्चन है हु इज ब्रेंडेड बाई रेड हॉट पोकर इन मिल्स टेल On series, ठीक है? Who gives the brain to ये भी इसी के इसी के टेल, का क्वेश्चन है टेल. Miller's Miller's देखें अब आपको एक और आ, करेक्टर मिल गया मिलर ठीक है तो ये सब करेक्टर्स भी आप लोग याद रखें इनके हवाले से एम सी क्यूज भी आप लोग जेन में रखें ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिलग्रम्स हैज फोर्क बियड विथ पिलग्रम हैज़ फोर बियर्ड द मर्चेंट नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास द मर्चेंट आ गया इसकी अपीयरस के बारे में भी हमारे पास क्वेश्चन आ गया ठीक है वाट इज़ द मॉरल ऑफ द नन्स प्रॉय टेल जो नन है हमारी जो करैक्टर है उसकी जो स्टोरी है उसका आ, क्या मॉरल है ठीक है नेवर ट्रस्ट ऑफ लेटर उसका मॉरल क्या है नन की जो टेल है उसका मॉरल uh, क्या है नेवर ट्रस्ट अ फ्लेटर व्हाट इज द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग प्रोलॉग अबाउट जो वाइफ ऑफ बाथ का प्रोलॉग था वो किस बारे में था उसकी टेल किस बारे में थी हर लाइफ विद हर फाइव डिफरेंट हस्बैंड्स आप लोग तो को वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर पता होगा जिन लोगों ने वाइफ कंट्रबाई टेल पढ़ी है तो उसकी कहानी किसके रिलेटेड थी हर लाइफ विद हर फाइव डिफरेंट हसबेंड्स वेन डाज कैंटर बाई टेक्स प्लीस ये कब केनबेरिट कब ये कौन सा टाइम है कि सदी में टेक प्लेस हो रही है इन द लेट फोर्टीन सेंचुरी कब इन द लेट फोर्टीन सेंचुरी व्हाट वाज जोसर्स प्रोफेशन एज यू ऑल नो दैट जोसर वाज सिविल सर्वेंट ठीक है विच टेल क्लासिफाइज एज ए पार्ट ऑफ मिडिवल सर्मन द पार्टनर्स टेल जीबी इंपॉर्टेंट है व्हिच टेल क्लासिफाइज एज पार्ट ऑफ मिडिवल सर्मन मिडिवल सर्मन द पार्टनरस

टेक प्लेस इन दरियन द मैन ऑफ लॉज टेल एंडल ये भी याद रखें द मैन ऑफ एंडस्ट क्वेश्चन है यह उठाया हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ब्रूच उठाया हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था लव कर्ट ऑल द्रस किसने उठाया जी द द्राइ रेस ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग जहन में रखें ठीक है एट विच टाइप ऑफ ईयर विच टाइम ऑफ ईयर आर पिलग्रमेज टेक प्लेस अब देखें किस साल में साल के किस वक्त में ये पिलग्रमेज उन्होंने पिलग्रमेज शुरू किया है ये होली सफ़र इन द हाइट ऑफ स्प्रिंग जब स्प्रिंग सही अपनी पीक पे था तो जब उन्होंने ये सफ़र शुरू किया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स आर रिलेटेड टू चर्च अब चर्च के रिलेटेड कितने करेक्टर्स हैं करेक्टर देखिए फ्रॉयरस मोंग फ्रॉयर सोमनर पॉडनर ये सब चर्च के रिलेटेड ये ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, है याद रखें आप विच टेल इज़ अबाउट ट्रैकिंग फॉलकोन टॉलकोन के बारे में किसकी टेल थी द स्क्वायर्स टेल ये आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता है ठीक है द स्क्वायर्स टेल टेल्स अबाउट पेशेंट सफरिंग टू ऑफ वुमेन ये किसके बारे में है टेल अबाउट पेशेंट सफरिंग अ वुमेन द मैन ऑफ लॉज टेल द मैन ऑफ लॉज टेल द क्लर्क टेल द फिजिशन टेल्स ये तीन जो कहानियाँ थी ये इसके रिलेटेड थी द मैन ऑफ लॉज टेल द क्लर्क एंड द फिजिशंस टेल नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाइट द पार्टनर अपसट्स द होस पार्टनर जो था अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है उसने होस को क्यों अपसेट किया था बिकॉज पार्टनर uh, जो था वो एक चीटर था उसने पहले इनको बताया दिया था जब उस देखें हम इसका आंसर देखते हैं द पार्टनर ट्राइज टू सेल इन टू द पिलग्रम आफ्टर हीज़ ऑलरेडी टोल्ड नेम दैट ही चीट्स पीपल जब उसने पहले बता दिया था तो इसलिए सब जो होस्ट था वो अपसेट हो गया था ठीक है इन विच यूर चोसर रोड कंट्री बाई टेल्स कौन से साल में सालों में उसने ये कंट्र बाई टेल लिखी है थर्टीन एटी सेवन टू फोर्टीन हंड्रेड के दरमियान में उसने कंट्रोबाई टेल्स लिखा लिखी है ये कहानी ठीक है प्लेमेन इन आर्स इट थी द ड्यूक ऑफ एथन ये उसकी कहानी में से फिर अगेन क्वेश्चन है द ड्यूक ऑफ एथेंस द करेक्टर जॉन एंड एलियन अपीयर इन द स्टोरी ऑफ द रीव स्टेल जो रीव स्टेल थी रेव की कहानी थी जिसको हम कॉरपेंटर कहते हैं नेम तो उसकी कहानी में दो करैक्टर थे जॉन एंड एलियन ठीक है द परन्स हु ड्रिंक्स हैविली एंड स्टेज इन हिज फ्रेंड्स हाउस एंड हिज वाइफ अ प्रॉस्टिट्यूट अपीयर्स इन द कुक स्टेल अब ये कुक स्टेल जो थी कुक की जो कहानी थी इसमें दो करैक्टर आते हैं द पर्क्रिंक्स हविली उसकी करैक्टर से क्या हैज़ वाइफ अ प्रॉस्टिट्यूट अपियर्स इन द कुक स्टेल हुन देस ये भी सेम कुक है ठीक है फेस द कुक Next question is important. Hai, the conversation of Muslims with Christian takes place in which tale? The conversation of Muslims with Christian takes place in which tale? In Men of Laws tale. Count In Men of Laws tale. How many lines? The prologue of Canterbury Tales has. This is an important question. Hai repeat How many lines? In Five fifty-eight lines are there in Canterbury Tales. Which of द अनफिनिश टेल्स ऑफ कंट्री बाई टेल्स द कुस टेल देखिए मैंने आप कहा था ट्वेंटी फोर जो थी वो कम्प्लीट हुई थी अब इनमें से कुछ फिर इनकम्प्लीट भी होंगी तो वो कौन कौन सी टेल्स हैं दो टेल्स हैं द कुस टेल कुक की टेल एंड द स्क्स टेल ये दोनों इनकम्प्लीट हैं ठीक है हु इज मिसिस स्वीट ब्राय स्वीट ब्रायर्स कौन है मैडम एंगलेंटाइन एंड मैडम एंगलेंटाइन कहाँ है कौन है शी इज अन ठीक है द कलर्क ऑफ द ऑक्सफोर्ड है ट्वेंटी बुक्स विच वार written by the cleric of Oxford had 20 books which were written by Aristotle. Who called चोस बस यहाँ तक तकरीबन स्टूडेंट्स जो केंट्र के टेल्स के एम सी क्यूज से इंपॉर्टेंट एम सी क्यू जो थे वो कम्प्लीट हो गए वैसे तो आप लोग इसके अगर हम मिसक्यूज़ करने लगे तो बहुत बना सकते हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मैंने वो कवर करने की कोशिश की है तो इसके बाद कुछ चोसज के हवाले से क्रिटिकल कमेंट्स थे वो भी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ हो सकता है ये भी पेपर में आ जाए हु कॉल चोसर दर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ये आप सबको पता है ड्राइडन अभी से आपको यह भी पता चल गया कि चोसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ठीक है हु क्रिटिसाइजरबाइ टेज आट्रेट गैलरी अगेन ड्राइडन हुक्स हाई सीरियसनेस दिस इज़ बाई मैथ्यू ऑर्नल्ड और उसके बाद इंपॉर्टेंट दो चार क्वेश्चन ये भी देख लें द वॉर ऑफ रोज दट बिटवीन द हाउस ऑफ योर कैन द हाउस ऑफ लंकास्टर और उसके बाद है डैश ऑफ चोस डज नाट बिलोंग टू इट्स इटालियन पीरियड कंट्रेड बाईट ऑब्वियसली ठीक है ये इटालियन पीरियड से नहीं हैज सोर्स टू हुमर हुमर ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही पढ़ा हुआ है हुस दालोअर ऑफ विकलिफ अच्छा विकलिफ बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्यों ये आगे वाले क्वेश्चन में आप देख लें विकलिफ्स बाइबल इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन टेक्स्ट इसने बाइबल की ट्रांसलेशन की थी जॉन विक लिफ वॉर दस्ट रेंडर्ड बाइबल Bible into इंग्लिश इन विच ईयर थर्टीन एटी थर्टीन एट्टी में इसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ ठीक है तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कंट्रेबाई टेल्स के रिलेटेड थे तो स्टूडेंट्स जिसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें पेपर से पहले उम्मीद है मुझे इसमें से क्वेश्चन आएंगे बाकी आपकी लक है तो इन आने वाली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि पैराडाइज लास्ट के हवाले से एम को कवर करूँ तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है सी यू इन विल सी यू नेक्स्ट वीडियो थैंक यू अलफ